हेलो, मैंने एक खरगोश ने उससे कहा, आज मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करूँगा। उसने कहा, अगर तू मेरी दुम पर बैठ जाए तो मैं तुझे अपनी दुम पर बैठा कर मैं सवार बनूँगा और तुम्हें पूरे जंगल का चक्कर लगाऊँगा। चलो, ये बात उनमें तय हो गई। खरगोश चंगार लगाता, छलांग लगाकर उसकी दम पर बैठने की बहुत कोशिश करता, लेकिन नाकाम हो जाता। एक दिन खरगोश ने जोर से छलांग लगाई, उसके दम पर बैठते बैठते फिर नीचे गिर पड़ा। खरगोश बहुत कोशिश करता रहा मगर उसकी दम पर ना बैठ सकता है, क्योंकि खरगोश छोटा सा था, छलांग लगाता था, उसकी दम पर ना बैठ सकता था, फिर नीचे गिर जाता था। से बहुत खुश थी कि मैं उठ के तुम पर बैठ कर जंगल की सैर करूँ, उठ के सवारी करूँ। वो बहुत शौकीन था मगर उसका ये शौक पूरा नहीं हो रहा था। वो बेचारा थक हार कर कोशिश करता रहा, उसकी कोशिश नाकाम जाती। उठ एक जगह पर खड़ा रहा। खरगोश ने कहा, तू अपने घुटने नीचे कर ज़मीन पर घुटने टेक और मैं फिर दुम पर बैठ जाता हूँ, फिर तू खड़ा हो जाना। ऊँट ये बात मानने को तैयार न था। वो अपने घुटने नीचे नहीं टेक रहा था। खरगोश भी दिख पा रहा था कि अपने घुटने नीचे टेक मैं पर बैठ जाऊँ फिर तू उठ जाना। जैसे देर को काफ़ी देर हो गई थी, खरगोश उठने नीचे नहीं टेक रहा था। खरगोश बेचारा थक हार कर एक जगह पर बैठ गया और ये सोच कर कि मैं इस ऊँट की सवारी नहीं कर सकता, बेचारा थक हार कर बैठ गया। इसलिए कहते हैं कि आपसे बड़े से कभी अपनी कात में रहना चाहिए, उसे बड़े से पंगा नहीं लेना चाहिए। इतनी कात हो उतनी ही सवारी की कोशिश कीजिए, अगर तेरी औकात नहीं है तो तू सवारी ना कर। ठीक है, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। उसने कहा, तेरी औकात नहीं है मेरे ऊपर सवारी करने की। बेचारा थक कर बैठ गया। हेलो।